14 MCQ, second year mathematics. Question number 15 hai. A vector A and B. If vector A and B are perpendicular, then अगर two vector perpendicular हों तो उनका dot product क्या होगा, इसकी value बतानी है. यह अब आसान सी बात है. देखो dot product आपने पढ़ा, magnitude of A, magnitude of B multiplied by cos of theta. और vectors आपस में क्या हैं, perpendicular हैं. vectors क्या हैं, perpendicular. perpendicular का मतलब इनके दरमियान बनने वाला angle 90 degree होगा. तो आप लिख सकते हैं magnitude of A magnitude of B cos of 90 degree. कैलकुलेटर में cos 90 की वैल्यू 0 होती है, कैलकुलेटर में cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जवाब 0 आएगा. ये बात याद रखने की है, A dot B का जवाब 0 हो जाएगा. तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, अगर टू वेक्टर परपेंडिकुलर हो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. वाइस वर्सा, अगर A dot B का जवाब 0 आ जाए तो क्या कमेंट्स करोगे, वेक्टर A एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर. तो ये दो किस्म के सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं. ठीक है, अब आइए इसमें ये सवाल रिपीट हुआ है, इससे पहले भी पार्ट था. इन अ पैराबोला वाई स्क्वायर फोर ए एक्स, एक पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स. इसमें जो फोर ए है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम को, फोकस को, एक्सिस को, वर्टेक्स को. ठीक है, आप जानते हैं ये हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, एक्स की पावर वन, तो एक्स जो पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा. और ये पॉइंट जो है वो फोकस कहलाता है. ये लाइन जो फोकस से पास हो इसे आप नाम देते हैं किसका, लैटस रेक्टम का नाम देते हैं. पूरे पैराबोला में लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हमेशा बराबर होती है 4a. तो यहाँ पर ये लैटस रेक्टम इसका जवाब हो जाएगा. इसके बाद देखें ये लिखा हुआ है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट करना है कॉस इनवर्स एक्स को. इसके मुख्तलिफ ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा. d अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा. बड़े याद रखिएगा तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स, कॉसेक एक्स. तमाम इनवर्स फंक्शन का भी डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स. और इन दोनों चार्ट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है. तो कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव में माइनस साइन आ जाएगा. इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव तो कॉस इनवर्स को होता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो ये माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा. ये चार्ट आप याद रखिएगा, पीछे इसी बुक में लिखा हुआ भी है और वहाँ से तमाम इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव याद रखें. आइए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है द यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, क्या मालूम करना है, यूनिट वैक्टर मालूम करना है, इस वैक्टर का यूनिट वैक्टर मालूम करना है. ये एक वैक्टर आपके पास है आर, एक ऐसा वेक्टर जो इसी के अलॉन्ग हो लेकिन इसकी लेंथ वन के बराबर हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं. यूनिट वेक्टर का फार्मूला, वेक्टर को डिवाइड कर दें किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दें. वेक्टर की वैल्यू हमें दी हुई है आई प्लस जे प्लस ऑफ के, ये वेक्टर की वैल्यू दी हुई है. इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर. तो डिनोमिनेटर में तो रूट थ्री आ जाएगा, ऊपर आई प्लस जे प्लस ऑफ के पढ़ा जाएगा. और ऐसा ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब बेटा इसके फर्दर टू पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं. इसमें आपसे कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ मालूम करनी है. और ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल, और उसके ऑप्शन हैं, एक सर्कल आपके पास है, एक पॉइंट आउटसाइड कहीं वाक़ है थ्री कॉमा माइनस वन. बेटा यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो इस पॉइंट पे मीट करेगा, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू. तो पी से लेकर क्यू तक की लेंथ को क्या कहते हैं हम, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं. क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला, जो सर्कल की इक्वेशन है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एक्स वन स्क्वायर
y1 square plus of 2g x1 plus of 2f y1 plus of c. ये टेंजेंट की इक्वेशन का रिजल्ट लिख लेते हैं. आइए इस मरतबा फिर जब समझें क्वेश्चन को. ये आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट जो इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया है टू द सर्कल. सर्कल की इक्वेशन हम लिख लें. ये सर्कल की इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2y स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0. स्टैंडर्डाइज करते हैं डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर देते हैं. ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 5 अपॉन 2 इक्वल टू 0. अब लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिख दें. x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 5 अपॉन 2 आ जाएगा. x1 y1 बेटा वो पॉइंट है जहां से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही है 3 कॉमा माइनस 1 से ड्रॉ की जा रही है. तो इस वक्त हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ऑफ 5 अपॉन 2 लिखोगे तो ओवरऑल हो जाएगा 9 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 5 अपॉन 2 पढ़ा जाएगा और इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा. एलसीएम 2 ले लें 10 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 5 और इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा 10 12 17 हो जाएगा है ना. 10 होगा 10 15 16 17 अपॉन 2 के बराबर आएगा और 17 अपॉन 2 इसका जवाब. अच्छा बेटा इस प्रीवियस पार्ट में थोड़ा करेक्शन कर लें. एलसीएम 2 लेंगे तो ये 9 टू जा 18 हो जाएगा. 18 प्लस ये 9 टू जा 18 18 प्लस 2 20 20 प्लस 5 25 तो ये 25 अपॉन 2 पढ़ा जाएगा. ठीक है 25 अपॉन 2 25 का मतलब 25 का रूट 5 हो जाएगा 2 का रूट अंडर रूट 2 हो जाएगा. तो ये ऑप्शन आया 5 अपॉन अंडर रूट 2 इज द करेक्ट आंसर. अब आइए इसमें कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0 रेडियस आर के इक्वल और इसका ऑप्शन क्या है. एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है जिसके सेंटर जो है वो क्या है 0.0 0.0 सेंटर है. रेडियस किसके बराबर है रेडियस आर के बराबर है. तो स्टैंडर्ड फार्मूला आपको पता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ एच के का मतलब है सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर और वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. तो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर विद आंसर. आई होप ये 2014 के जो MCQs हमने आपको कराए हैं ये आपके समझ में आए होंगे और इसको एक से दो मरतबा इस तीनों क्लिप्स को आप देखें और इसकी प्रैक्टिस करें और आई होप ये MCQs आपके पेपर प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे. बेटा दोस्तों को पसंद आए अच्छे लगें तो आप अपने कमेंट से हमें आगाह करें दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम और जो है पेपर्स के MCQs आपको करा सकें. थैंक यू.